हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल सो ये हमारा थर्ड वीडियो है हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस क्लास इलेवेंथ की ये बुक है चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम अब तक हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर और कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कंट्रोल यूनिट ए के बारे में हमने पढ़ा then evolution of computer हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा एंड हम लोगों को अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा भी है पढ़ा भी है सो so, सॉफ्टवेयर क्या होता है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर्स द डिज़ायर्ड आउटकम एग्जाम्पल्स की हम बात करें लाइक एग्जाम्पल्स आर लाइक विंडोज एम एस वर्ड वीडियो प्लेयर जैसे कि वी एल सी प्लेयर फोटो एडिटर पेंट एक्सेट्रा तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे सिस्टम पे मौजूद होता है फिर हमने पढ़ा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में दैट जो हमारे फोटो स्टोर होती है सिस्टम में उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी और उसी फोटो को अगर हम प्रिंट कर लेते हैं तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी फिर हम आगे बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूजर की हेल्प हो सके जैसे कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल देख रहे हैं टिकटॉक हो गया यूट्यूब ने शॉर्ट्स बना दिए क्यों क्योंकि यूजर की डिमांड थी तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है यूजर ने डिमांड की तो सॉफ्टवेयर बन गया सो बेसिक जो सॉफ्टवेयर की नीड वो ये है कि एज ह्यूमन हम डायरेक्टली सी से या कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे तो हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए था तो वो होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बिहेव्स लाइक इंटरमीडिएट बिटवीन सिस्टम एंड यूजर्स जब हम कैटेगरी की बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकेंड इज़ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है नाम से पता चल रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम का यानी हमारे सिस्टम के लिए जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बेसिक फंक्शनैलिटी जैसे कि सिस्टम को ऑन करना सिस्टम को ऑफ करना ये बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं तो द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट कंसटेंट हार्डवेयर इज़ टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने कंप्यूटर ऑन किया बूटिंग होती है बूटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है वो होने के बाद हमारा सिस्टम ऑन होता है तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूटिंग तो ये सारे के सारे क्या हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स एक्सेट्रा ये सारी की सारी चीजें आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है नाम से पता चल रहा है ऑपरेट करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स अ कंप्यूटर जो कंप्यूटर को चलाने में मदद देता है एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल्स जैसे विंडोस लाइनेक्स मैकोश यूनिक्स एक्सेट्रा मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस ओ एस ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं देन वी हैव सिस्टम यूटिलिटी यूटिलिटी मींस एक्स्ट्रा हेल्प के लिए सो सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम को अपग्रेड करना कोई हमारे सिस्टम को हानि ना पहुंचाए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं एंटीवायरस, तो इसके लिए ये सारे के सारे क्या होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज हमारे सिस्टम को अप टू डेट रखने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे कि डिस्क क्लीनर हो गया एंटीवायरस हो गए एक्सेट्रा नेक्स्ट वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स ये क्या करते हैं द पर्पज ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इज़ टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिंट करवाना है अगर हमारे सिस्टम से तो हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी वो प्रिंटर को डिटेक्ट करेगा और प्रिंटिंग हो पाएगी वैसे ही प्रोजेक्टर के लिए हमें एक ड्राइवर डालना पड़ेगा नहीं तो हमारा सिस्टम प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली हम लोग जिससे कंप्यूटर चलाना सीखे होते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है कोर होता है दिल होता है लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सिंपली कुछ नीड्स के अकॉर्डिंग ये बने होते हैं और उस हिसाब से ही काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें टाइपिंग करनी है तो हम एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं हमें टेबल क्रिएट करना होता है तो हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं पेंटिंग बनाने का मन हुआ तो हमने पेंट ओपन कर ली तो इसकी भी दो कैटेगरी हैं फर्स्ट इज जनरल पर्सप सॉफ्टवेयर जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया फोटोशॉप हो गया ब्राउजर हो गया ये सारे की सारी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो सब लोग यूज करते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं ये होते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सेकेंड है हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है कस्टमर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को बनाना दीज आर कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that are developed to meet requirement of specific organization or individual for example aapne new shop kholi aur aap chahte hain ki aapki shop ki jitni bhi saman hai wo online sell ho to aapne ek software company ko demand kiya ki hame ek software bana ke do तो अब जो software होगा जो आपको मिलेगा वो specifically आपके लिए होगा यानी कि customized software होगा आपकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉफ्टवेयर बनेगा ऐसा नहीं होगा कि फ्लिपकार्ट का कोड उठा के या फ्लिपकार्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा देन वी हैव प्रॉपर्टी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है ऐसे जो फ्री हो और इजीली मिल जाए जैसे कि हमारा मोजिला हो गया फायर हो गया आईथन हो गया ये सारे के सारे फ्री हैं तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है तीन वीडियो से। सो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कंप्यूटर सिस्टम जो कंबाइन होता है कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का मेमोरी यूनिट का एंड सीपीयू जो हमारे हार्डवेयर होते हैं वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो गया सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। हमारे पास दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीपीयू की हम बात करें तो ये कंटेन करता है कंट्रोल यूनिट ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंप्लीटेड आवर चैप्टर वन इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस क्लास इलेवेंथ का चैप्टर वन हमने कंप्लीट कर लिया है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो